शॉप मुंबई कुर्ला में है और हम लोग डील करते हैं ईसीएम रिपेयरिंग में और टूल्स में। और हमारे साथ आज आए हैं जमीर भाई। जमीर भाई आए करिए। हेलो फ्रेंड्स, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल की तरफ से मैं जमीर अहमद। दोस्तों, ये हमारे जो हमें पूछते रहते हैं, जमीर भाई आपको, आप जितना काम करते हो आपको उतनी नॉलेज कहाँ से मिली है? आज आपको बताने का मौका आ गया है। जो मैं इतना ऑन टेबल पे जो भी काम करता हूँ मैं किसकी मदद से करता हूँ? क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है जो भी हम काम कर रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई आपके पीछे रहेगा 100%। जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे पीछे, मैं भले ही 100% 100% तो कोई नहीं है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई एक बंदा ऊपर रहेगा, वो बंदे हैं आसिफ भाई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा मैं भाई। मानता हूँ। देखो, हम दोनों मिलके हमारी सोच हम क्या दोनों है, मिलके ही काम हमारी करते सोच हैं। क्या है, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो अब जो हम काम कर रहे हैं उसका गुरु कोई ना कोई तो एक रहेगा ही रहेगा। जो मैं हूँ मेरा भी गुरु है, जो ये है इनके भी गुरु हैं, उनसे ऊपर के भी गुरु हैं, तो गुरु की इज्जत करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ अपने आसिफ भाई को गुरु, नहीं, ठीक है, भाई अपने हम दोनों उस्ताद हैं। क्योंकि जितना भी मुझे इस लाइन में लेके आए हैं, जो भी अपना ईसीएम का रीड हो गया, राइड हो गया, जो भी अपना ईसीएम का काम हो गया, मैं सक्सेस हुआ हूँ तो अपने आसिफ भाई की तरफ से ही हूँ। जो भी मैं आज अपने मुकाम पे हूँ मैं अपने आसिफ भाई की तरफ से ही हूँ। जो भी आईसी मिलेगी आपको, प्रोग्रामर मिलेगा जमीर भाई के पास, सब कुछ मिलेगा जमीर भाई के पास। और मेरा मेन काम आईसी का है, तो आईसी के पिन आउट चाहिए, आईसी की रिपेयरिंग चाहिए, आईसी के सोल्यूशन चाहिए, कैसे रीड होगा कैसे राइट होगा, सारा सोल्यूशन हमारे को मिलेगा। तो हम अगर कभी कोई, अगर फ्रेंड्स हमारे जो ईसीएम में आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लैपटॉप वाले मोबाइल वाले, मैं खुद पहले मोबाइल इंडस्ट्री से था, तो मोबाइल इंडस्ट्री से था, अभी मैं ईसीएम में आ गया 4 से 5 साल से। तो वो, लेकिन वो बेसिक बेसिक जो होता है वो नहीं जानते, तो पहले बेसिक जानना हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिक क्या है, गाड़ी के अंदर बेसिक क्या चीज होता है, गाड़ी के अंदर डीजल में बेसिक क्या है, पेट्रोल में बेसिक क्या है, और अभी हमेशा गाड़ी क्या इंजन होती है, गाड़ी के अभी जो BS6 आ रहे हैं तो BS6 के अंदर BS6 क्या चीज है, वो सारी चीजों के नॉलेज लेना हम खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं। फिर रिमैपिंग में हम आ जाते हैं, रिमैपिंग क्या होता है, स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है, स्टेज 3 क्या होता है, और इमो ऑफ क्या होता है, DPF ऑफ क्या होता है, SCR ऑफ क्या होता है, ये सारी इसकी फाइलें क्या होती है, कौन सा प्रोग्रामर होता है, कौन सा स्कैनर होता है, तो उस चीजों को बताने के लिए हम कहीं ना कहीं एक टीम बना रहे हैं। आप जो जितने व्यूवर हैं वो भी हमारे टीम का हिस्सा हैं। आप हमारे को कमेंट करिए, हम कुछ ग्रुप बना रहे हैं उसके अंदर आप ऐड होइए, बड़े से बड़े इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का मतलब है कम से कम इंडिया लेवल पे तो हम एक ऐसा ग्रुप बनाए जो किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहे तो हम उसका एक सोल्यूशन दे पाए। ये हमारी एक छोटी सी शॉप है, यहाँ बैठ के हमारे रिपेयरिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं कहाँ से क्या आ रहा है, कौन सी आईसी है, क्या रिपेयरिंग आ रहा है, क्या नया फॉल्ट आ रहा है, कौन सी ईसीएम में क्या फॉल्ट कॉमन फॉल्ट आ रहा है, उसका रिपेयरिंग हम खोजते रहते हैं, सोल्यूशन निकालते रहते हैं, कौन सा ईसीएम रीड नहीं हो रहा है उस पर हम लोग मेहनत करते रहते हैं, कैसे रीड करे, कैसे उसको प्रोग्राम करे, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो यही हमारा मेन काम यही होता है कि जो काम नहीं होने वाला कहीं है हम उस पर रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम उस पर रिसर्च ही करते हैं। हमारा काम मेन रिसर्च का ही है कि कैसे रिसर्च किया जाए। हाँ आसिफ भाई, आसिफ भाई, मैं भी बहुत सारे अक्सर बहुत भाइयों के मुझे फोन आते हैं, जमीर भाई आप कुछ दिन पहले ईसीएम की ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू किए थे तो अभी हमें जो पहले के जो ब्याज थे अलहमदिल्ला थोड़ा बहुत सीख के गए, ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन हो गया, हम गुजरात में जब थे उस टाइम पे थोड़ा बहुत सीख के गए, और जो हम ईसीएम की जो ट्रेनिंग दे रहे थे उसमें कुछ हमारा पर्सनली मैटर हो गया तो हमने उसमें अलग हो गए। और मुझे बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, भाई मुझे ईसीएम की ट्रेनिंग चाहिए, क्या मुझे पर्सनली फोन करते हैं, हमें एक अच्छी सी ईसीएम की ट्रेनिंग। और ये भी बोलते हैं, जमीर भाई आप जहां बोलोगे वहां हम चले जाएंगे। मुझे देखो आसिफ भाई किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बहुत सारे ईसीएम जितने भी ईसीएम की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे को मालूम है सिर्फ और सिर्फ पैसा के पीछे भाग रहे हैं ना। तो उनको मैं, हालांकि नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे भाई मेरे पास मुझे मैसेज करते व्हाट्सएप पे, जमीर भाई ऐसा फॉल्ट है, मैं इस जगह से 3 महीने 2 महीने ट्रेनिंग लेके आया हूँ, तो उनको एक रजिस्टर चेक करने का सही तरीका उनको सही मालूम तरीका नहीं है। तो मालूम इतने 50,000 रुपए डालते हैं, 60,000 रुपए डालते हैं, इतनी मेहनत का पैसा है तो इतना वेस्ट करते ही क्यों है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो पता नहीं क्या वो सीखने वाले में क्या कमी है या सिखाने वाले में क्या कमी है, वो हम कह नहीं सकते,
नहीं नहीं देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि सिखाने वाले में कमी है, बहुत लोग अच्छे भी हैं जो सिखा रहे हैं और सीख के बहुत अच्छे लोग हैं जो सीखने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे जा भी रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि सीखने वाला अगर रहेगा तो थोड़ा भी उसको नॉलेज मिल गया, अगर उसने थोड़ा बेसिक पढ़ा है, अगर वो इंटर भी पास है, उसको पढ़ना हिंदी आता है इंग्लिश आता है और थोड़ा सा भी उसको नॉलेज है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा तो ये लाइन के अंदर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और अगर अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और एक बात आसिफ भाई, हाँ भाई आपका फेस सही से नहीं आ रहा जमीर भाई। और एक बात अभी देखो, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये अपने आसिफ भाई हैं, अभी हमने इनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये ईसीएम की ट्रेनिंग देने के लिए मान गए हैं। इतना मैं रिक्वेस्ट किया, इधर मुंबई में आया हुआ मैं 3 से 4 दिन हो गया, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये माने हैं, हाँ जमीर भाई चलो हम आपकी वजह से ट्रेनिंग देंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जितना मेरे को बोलते हैं जमीर भाई मुझे ईसीएम की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपके लिए, खासकर आपके लिए मैं इधर आया हूँ, आके आपके लिए मैं इनको मनाया हूँ। बहुत ही बढ़िया एक नंबर आपको ट्रेनिंग देंगे, हाफ लाइन हो या ऑनलाइन हो, एक नंबर की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अब बेझिझक आप इधर आ सकते हैं, आप इधर आके लेना है तो आप इधर आके ले सकते हैं, नहीं आपको ऑफलाइन लेना है तब भी आप इधर आके ले सकते हैं। और आसिफ भाई आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, जैसे मैं एक आपका आपका एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे को कोई पढ़ना लिखना का कुछ नहीं आता, मैं अंगूठा छाप हूँ, ठीक है, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मुझे इसके अंदर चलाने का आप सिखाओगे? सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, मेरे को कुछ नहीं आता बिल्कुल, और मुझे मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, कैसे फाइंड आउट करना, ये कुछ नहीं आता मुझे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पूरा मल्टीमीटर सिखाएंगे, हमारे कोर्स में क्या क्या रहेगा हम वो बताते हैं आपको। स्कैनर के बारे में सिखाएंगे कि स्कैनर क्या होता है और स्कैन कैसे करते हैं, स्कैन टूल, तो स्कैन के बारे में गाड़ी में लगा के प्रॉपर स्कैन करके बताएंगे कि गाड़ी के अंदर स्कैनर कैसे यूज करते हैं। ये मेरा छोटा, और क्योंकि ये हमारा मेन काम इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयर का है ना कि गाड़ी डायग्नोस का है, तो अगर प्रॉपर किसी को गाड़ी डायग्नोस करने के बारे में सीखना है, गाड़ी डायग्नोस के बारे में सीखना है, तो वो हमारे पास बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि हम स्कैनर का बेसिक वर्जन सिखाएंगे। स्कैनिंग में भी एक एडवांस लेवल के स्कैनिंग होती है जो हम नहीं सिखा सकते, हमारा काम है कंपोनेंट रिपेयर करना, जैसे ईसीएम हो गया, बीसीएम हो गया, एयरसेट एयरबैग रिसेट करना हो गया, बीसीएम को क्लोन करना हो गया, ईसीएम को क्लोन करना हो गया, जैसे जो प्रोग्रामर आते हैं अपना केटीएम बेंच यूज करना, हैक्स प्रो यूज करना, KT200 यूज करना, केटैग KS3, ये सारे जो भी प्रोग्रामर है हमारे पास, वो सारे प्रोग्रामर हम यूज करना सिखाएंगे, यही हमारा मेन मोटिव रहेगा। लेकिन आप सोचो कि आप हमारे को गाड़ी डायग्नोस करना, तो बेसिक वर्जन हम आपको स्कैन का सिखाएंगे कि ये स्कैनर में इस तरीके से ये चीजें स्कैन करना पड़ता है, लाइव डेटा कैसे चेक करते हैं, इमोबिलाइजर को कैसे सिंक करते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको डायग्नोस करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छे से अच्छे डायग्नोसिस जो डायग्नोस करने वाले हैं वो डायग्नोस नहीं कर पाते, आज से जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। रीजन ये है कि वो विदाउट स्कैनर काम कर लेते हैं, लेकिन वो स्कैनर के थ्रू मदद से काम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि थोड़ा वो पढ़ने में लिखने में या स्कैनर को चला पाने में वो थोड़ा वीक है, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है, तो उस लेवल पे हम एडवांस नहीं बना पाएंगे आपको डायग्नोस के मामले में। लेकिन हाँ, इसमें जरूर आपको ईसीएम रिपेयर सीखना है, मीटर का सीखना है, एयरबैग रिसेट का सीखना है, तो इसमें हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। आईसी कैसे निकालना है, आईसी निकालने का प्रॉपर तरीका क्या है, आईसी लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है, डायोड चेक करने का प्रॉपर तरीका क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, सेरामिक कैपेसिटर क्या होता है, डायोड क्या होता है, डायोड मॉस्फेट क्या होता है, आईसी की वैल्यू कैसे आउटपुट होती है, इनपुट होती है, कपलर में ईसीएम से कैसे वाया जाती है सप्लाई, आईसी कैसे जाना चाहिए, उसका ट्रैक क्या रहता है, इंजेक्टर आईसी कौन सी होती है, पावर आईसी कौन सी होती है, सिस्टम आईसी कौन सी होती है, सीपीयू कौन सा होता है, उसके मॉस्फेट कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे चेक करना है, ये सारा कुछ सिखाएंगे। हमारे में ईपीएस भी हम बता, जो रनिंग ईपीएस है हुंडई के हो गए, ये हम रनिंग ईपीएस भी सिखाएंगे, मतलब इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करना सिखा देंगे कि आप इतना इलेक्ट्रॉनिक सीख लोगे कि आप जाके मोबाइल भी रिपेयर कर सकते हो, आप जाके लैपटॉप भी रिपेयर कर सकते हो। लेकिन हम कोर्स का जो कंटेंट है वो ईसीएम का रहेगा,
ईसीएम के कपलर से आएगा अंदर और ईसीएम के कपलर से बाहर जाएगा। और बेसिक एक वर्जन रहेगा ऐसा जो स्कैन टूल को एक दो बार गाड़ी पे लगा के सिखा देंगे। हम आपको पहले से झूठ नहीं बोलेंगे कि हम आपको गाड़ी पे डायग्नोस करना सिखाएंगे और लोगों की तरह, क्योंकि देखो हमारे इधर इस तरीके की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। एक दो गाड़ी पे लगा के स्कैनर सिखा देंगे कि आप ऐसे 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 स्कैन करना। बाकी हमारा ग्रुप है और आज जमीर भाई को जो जानते रहेंगे वो बेस्ट डायग्नोशियन है, खुद एक से एक गाड़ी डायग्नोस करते हैं। कोई भी डायग्नोस करने का कोई फॉल्ट आ रहा है तो हमारा खुद ही एक टीम है, हमारा खुद ही एक तरीके का चैनल है, हमारा एक यूट्यूब ग्रुप है। उसमें आप कुछ भी डालेंगे आपको सोल्यूशन तुरंत ऑन द स्पॉट आपको ग्रुप में सोल्यूशन मिल जाएगा, उसमें जरूरत ही नहीं है। और आपको इस लेवल पे स्टैंड कर दिया जाएगा कि आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं किसी की, आप खुद ही दूसरे को बताने लायक हो जाएंगे, ना कि पूछने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, महीना दो महीना तीन महीना स्ट्रगल करना पड़ेगा, आईसी लगाने में हाथ साफ करना पड़ेगा, बेसिक टूल लेना पड़ेगा। तो जो कुछ भी है आप जमीर भाई से एक बार संपर्क करिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। एक बार हम लोग नए तरीके से नई शुरुआत है, नया साल है, नए तरीके से नया शुरुआत करते हैं, बहुत ही कम बजट में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, एकदम रीजनेबल रेट में और सबसे बेस्ट रेट में हम आपको वो चीज़ देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, हाँ चीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और लोगों की तरह, ना हम और लोगों का नाम लेते हैं। मैं यह हर ग्रुप के अंदर बहुत जगह जाके देख चुका हूँ, मैं खुद ही पर्सनली ज्वाइन करता हूँ हर ग्रुप को कि कौन क्या सिखा रहा है नॉलेज के लिए, लेकिन बहुत 90% यही है कि चीटिंग के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ सिब भाई बिल्कुल सही बोला, सिब भाई हमने भी बहुत सारे ऐसे देखा है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी भाई ईसीएम की ट्रेनिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन में आपका इनका नंबर मिल जाएगा और बेझिझक आप ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत बढ़िया आपको काम सिखाएंगे। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरा जो पहला जो किसी को पूछने का जो रहता है वो आसिफ भाई को रहता है। और मेरा एक खुद का चैनल है, अभी मैंने नया स्टार्ट किया प्रोफेसर ईसीएम करके, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनके पास पूरे का पूरा आप देख ही सकते हैं। वो जो दो ईसीएम रख के तीन ईसीएम रख के जो काम दिखाते वो वाला सिस्टम नहीं है, देख ही सकते हैं, ये पूरा अपना ईसीएम है, देख ही सकते हैं पूरा आपको गोडाउन टाइप का, आपको जो चाहिए ईसीएम आपको मिल जाएगा। ये छोटा सा आपको झलक है, ठीक है, आपको छोटा सा झलक है, आपको कोई इतना ये नहीं है, बैक कैमरे से दिखा दीजिए, ये पूरा दिखा दीजिए, MD1 के ईसीएम हमारे पास मिल जाएंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, देख सब ये पूरे किट पड़े हैं हमारे पास, पूरा ईसीएम का पूरा लाट लाट पड़ा है, जो भी आपको ईसीएम चाहिए सब A to Z आपको मिल जाएगा, आप देख ही सकते हैं ये पूरा किट पड़ा हुआ है, ये पूरा किट है, ये पूरा किट है ऊपर से लेके नीचे तक, ये पूरा किट है, ये किट पड़ा हुआ। BS6 का ईसीएम कई मार्केट में नहीं है, BS6 का लेटेस्ट वाला ईसीएम मैं आपको दिखाता हूँ, ये BS6 के ईसीएम है, ये देखिए बैक कैमरा करेंगे बिल्कुल, ये देखिए BS6 के ईसीएम है, सारे BS6 लेटेस्ट वाले, दो सिलेंडर चार सिलेंडर सब अवेलेबल अपने पास। और आसिफ भाई अब इसके ऊपर भी ट्रेनिंग देने का थोड़ा कोशिश करो आसिफ भाई, हाँ, क्योंकि किसी के पास BS6 का ईसीएम अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक दो तीन बहुत कॉमन से फॉल्ट है, वो मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिए आसिफ भाई। एक कॉमन फॉल्ट आप लोगों को फ्री में बताता हूँ दोस्तों, हालांकि ये एक पहली वीडियो है, थोड़ा ऊपर कैमरा करिए, एक कॉमन सा फॉल्ट ये है जो इसके अंदर एक जो कपलर होता है ना, कपलर अगर आपके पास कभी आएगा तो देखो, अगर डेड हो गया इश्यू और रीड नहीं कर रहा है तो इसके अंदर के दो तीन पिन ऐसे हैं जो अपने आप गल जाते हैं, हाई पावर की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। कम से कम मैंने 7 से 8 ईसीएम के अंदर ये फॉल्ट देखा है BS6 के महिंद्रा वाले में, जमीर भाई एक बार आपको भी भेजा है, वो कॉमन फॉल्ट है इसके अंदर, एक कॉमन फॉल्ट है। बाकी आगे आप अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी, इसका पूरा लाइन ट्रैकिंग हम खुद ही अपने हाथ से, किसी के पास इंडिया में अभी नहीं है, इंडिया में किसी के पास नहीं है, आपको लाइन ट्रैकिंग बना रहे, इंजेक्टर का ट्रैकिंग बना रहे, हम सीधा लेटेस्ट गाड़ी पे ही R&D कर रहे हैं, सब लेटेस्ट गाड़ी का ही बताएंगे, क्योंकि वो पुराने जमाने की गाड़ी पे वो काम आना नहीं है, ना उसपे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पेट्रोल और डीजल जो भी लेटेस्ट है, कैसे कोडिंग करना है, कैसे इमोसिंग करना है, ये जो बेसिक चीजें हैं, जो एडवांस लेवल बेसिक से एडवांस पे जाती हैं, और जो जरूरत आने वाली चीज है वो देंगे। ये नहीं कि पुराने जमाने वाले हमने तो उसे क्या कहते हैं कि PDF फाइल दे दिए और बोल दिया लोगों को कि नहीं हाँ आपका काम हो गया, तो वो काम हमारा नहीं रहेगा, हम जो भी करेंगे एकदम लेटेस्ट करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए,
और सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। और मेरा चैनल भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ये भी स्टूडेंट ही है, ये भी मेरे स्टूडेंट है, ये भी काम सीख रहे हैं। और ऑफलाइन ऑफलाइन लिमिटेड रहता है हमारा, ऑफलाइन लिमिटेड 4 से 5 बंदों का टीम रहता है, 5 स्टूडेंट से ज्यादा हम नहीं लेते हैं। पहले इनको फोन करें, फोन करके कंफर्म करें, सर मैं ज्वाइन होना चाहता हूं, क्या सीट अवेलेबल है, तो वो उनके हिसाब से बता देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।